दोस्तों आप में से ज्यादातर लोग जो घर में वर्कआउट करते हैं या फिर जिम में ही वर्कआउट करते हैं वो अपने बाइसेप मसल्स को अपने ट्राइसेप मसल्स को बहुत अच्छे से ट्रेन करेंगे लेकिन वो अपने फोरआर्म्स को सही से ट्रेन नहीं करते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। मैं आपको बता दूं अगर आप लोग को एक मजबूत हाथ चाहिए तो आपका फोरआर्म्स मसल्स का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है और इसीलिए आज का ये वीडियो बन रहा है। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस बताऊंगा जिन्हें करके आप अपने फोरआर्म्स को काफी ज्यादा मस्कुलर बना पाएंगे। तो बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, आते हैं अपनी सबसे पहली एक्सरसाइज पे जिसे हम बोलते हैं वेट होल्डिंग एक्सरसाइज। अब देखिए इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना होता है, आपको अपने हाथों से अपनी उंगलियों की ग्रिप से आप लोगों किसी भी भारी चीज को पकड़ना होता है और उसे पकड़ के इस तरीके से होल्ड करके रखना होता है। इसमें आपकी फोरआर्म्स मसल्स का इस्तेमाल होता है जिससे आपकी फोरआर्म्स मसल्स काफी तेजी से स्ट्रांग बनती है। उसके बाद हम बात करते हैं अपनी दूसरी एक्सरसाइज की जिसे हम बोलते हैं वन आर्म हैंगिंग होल्ड। अब देखिए इसमें क्या करना होता है, हमें क्या करना होता है, किसी भी चीज को पकड़ के लटकना होता है, बस हमें अपने एक हाथ से ही लटकना होता है। तो इससे क्या होता है, हमारा जो पूरा प्रेशर है, पूरी बॉडी का जो वेट होता है, हमारे शरीर का जो वजन होता है, वो केवल हमारे एक हाथ पे आता है और वो हमारे फोरआर्म्स पे, हमारी कलाइयों पे रुकता है, क्योंकि जो चीज हमने पकड़ी होती है अपने हाथों से वो अपनी उंगलियों से पकड़ी होती है। कोई भी चीज उंगली से पकड़ोगे, उंगली से कोई भी चीज उठाओगे तो उसमें आपके फोरआर्म्स का इस्तेमाल होगा, आपकी कलाइयों का इस्तेमाल होगा। और इस एक्सरसाइज को आप जितनी देर परफॉर्म कर सको वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोशिश करना कि 30 सेकंड तक लटके रहना, तभी आपके लिए एक्सरसाइज काफी अच्छी होगी। उसके बाद बात करते हैं अपनी तीसरी एक्सरसाइज की जो कि हमारा एक रिस्ट एक्सटेंशन है। अब देखिए इसमें आप लोगों को क्या करना होता है, कोई भी बैट ले सकते हो, कोई भी डंडा ले सकते हो, कोई भी चीज ले सकते हो। उसके बाद अपने हाथों में पकड़ के कुछ इस तरीके से आप लोगों को करना होता है, अप करना होता है, फिर डाउन करना होता है। इससे क्या होता है, इससे आपके फोरआर्म्स मसल्स काफी तेजी से स्ट्रांग बनते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज की जो कि हमारी रिस्ट रोलर एक्सरसाइज है। अब ये एक्सरसाइज सबसे अच्छी एक्सरसाइज मानी गई है अगर आप अपने फोरआर्म्स को और अपनी कलाइयों को मजबूत बनाना चाहते हो। इसके लिए देखिए आपको क्या करना होता है, आप कोई भी लंबा सा रॉड ले सकते हो, कोई पाइप ले सकते हो या कोई भी लकड़ी का कोई भी चीज ले सकते हो, उसमें आपको भारी वेट बांध देना होता है और एक रस्सी के सहारे उस वेट को लटकाना होता है और फिर अपने हाथों को इस तरह से घुमा घुमा के ऊपर ले जाना होता है उस रस्सी को जिसमें वजन बंधा होता है। तो इससे होता क्या है, आप कर्लिंग मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हो, अपनी कलाइयों को मोड़ने वाला मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हो और हमारी जो कलाइयां होती हैं वो इसीलिए बनी होती हैं ताकि हम अपने हाथ को ऊपर नीचे आगे पीछे कर पाएं। और अगर आप ये एक्सरसाइज परफॉर्म करोगे तो आपका फोरआर्म काफी तेजी से मजबूत बनेगा। ध्यान इस बात का रखना इस एक्सरसाइज में कि आप लोग जो वजन है वो समय के साथ में बढ़ाते जाना, आपने आज थोड़ा वजन रखा फिर कल उसको बढ़ाते जाओ, जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे आपके फोरआर्म बहुत तेजी से स्ट्रांग बन जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की जो कि है हमारी फिंगर पुशअप। मैंने आपको पहले ही बताया अगर आपको अपने फोरआर्म्स को कलाइयों को मजबूत करना है तो अपनी उंगलियों से आपको एक्सरसाइज करनी होती है, क्योंकि उंगलियां ही हमारी फोरआर्म्स की मसल से जुड़ी होती हैं, कनेक्टेड होती हैं। तो उंगलियों को अगर आप एक्सरसाइज में लगाओगे तो आपके फोरआर्म्स अपने आप मजबूत होंगे। आपको करना है फिंगर पुशअप। इसमें क्या करना है, पुशअप की तरह ही परफॉर्म करना है, बस अपने घुटनों को आपको जमीन में लगा के रखना है और इस तरीके से एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। आप लोग जितनी देर परफॉर्म कर सको उतना अच्छा है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग 3 सेट लगाना और हर सेट में आप लोग 15-15 रिपीटेशन करना। बस ध्यान इस बात का रखना कि जब हम फोरआर्म्स का वर्कआउट करते हैं तो उसके बाद में फोरआर्म्स मसल्स की रिकवरी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मसल्स की रिकवरी होगी तभी वो मसल्स और ज्यादा स्ट्रांग बन पाएगी। तो अगर आप लोग अपनी मसल्स रिकवरी को इंप्रूव करना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोग हिमालयन ऑर्गेनिक्स का एल कार्निटिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये करता क्या है, मैं आपको ये बता देता हूं। सबसे मेन चीज कि आपका अगर जो भी मसल्स आपने ब्रेक किया है, जो आपने वर्कआउट किया है, उसके बाद ही आपकी मसल्स रिकवरी में बहुत ज्यादा मदद करता है। साथ में जो लोग बहुत ज्यादा मोटे हैं, जिनकी बॉडी में फैट बहुत ज्यादा है और वो जल्द से जल्द अपना फैट कम करना चाहते हैं तो आप लोग एल कार्निटिन का इस्तेमाल करोगे तो ये एज अ फैट बर्नर आपकी बॉडी से फैट को धीरे धीरे रिमूव करने लगेगा।
उसी के साथ में आप लोगों की बॉडी में एंड्योरेंस बढ़ता है इससे। देखिए, मैंने आपको बार बार ये बात बताई है कि जब भी हम वर्कआउट करते हैं तो हमें प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना चाहिए। अगर हम अभी 5 किलो का वजन उठा रहे हैं तो अगले हफ्ते हमें 10 किलो वजन उठाना है। इसे बोलते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड। इसी से हमारी मसल्स ग्रोथ होती है। तो अगर हमारी बॉडी में एंड्योरेंस की कमी होगी, ताकत की कमी होगी, तो हम प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं कर पाएंगे, जिसमें आपको हिमालयन ऑर्गेनिक्स का एल कार्निटिन मदद करेगा, आपका एंड्योरेंस बढ़ाएगा। तो ये आपके लिए और भी ज्यादा बेनिफिट होगा। कैसे इस्तेमाल करना है आपको मैं ये भी बता देता हूं। इसके आप लोग रोज 2 टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग जब वर्कआउट करने जा रहे हैं तो उससे 30 मिनट पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप लोग सुबह जब नाश्ता करो तो नाश्ते के बाद में भी आप लोग 2 टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं हिमालयन ऑर्गेनिक्स के एल कार्निटिन का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाके आप लोग इसे एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। उसके बाद बात करते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज की, जो कि हमारी एक और रिस्ट एक्सटेंशन एक्सरसाइज है, जिसे हम डंबल से कर सकते हैं या किसी भी भारी वेट से कर सकते हैं। इसमें क्या करना होगा, अपने हाथों को, अपनी जो कलाइयां हैं उनको आपको किसी चीज पे टिका देना होगा। उसके बाद में आप लोगों को डंबल या कोई भी वेट उठा के कुछ इस तरीके से एक्सरसाइज को परफॉर्म करना होगा। अगर आप अपने हाथ को किसी चीज पे टिका दोगे तो आप लोग अपने हाथ का सहारा पूरी तरीके से नहीं ले पाओगे, केवल अपनी कलाइयों का इस्तेमाल कर पाओगे, जिस वजह से आपकी कलाई काफी तेजी से स्ट्रांग बनेगी। ये जितनी भी एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूं, सारी आप बड़ी आसानी से घर पे परफॉर्म करके अपनी कलाइयों को, अपने हाथों को मजबूत बना सकते हो। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।